water ecosystem is basically which has higher salt concentration. Salts जो होते हैं उसमें सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एंड देन अदर क्लोराइड सल्फेट्स होते हैं वाटर में. तो ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट आयोनिक फॉर्म्स, केमिकल फॉर्म्स में होते हैं अवेलेबल इन द साल्ट वाटर. तो बेसिकली जो ओशंस होते हैं तो इसमें साल्ट कैसे आता है? What is the source of salt water या salt concentration या salt components जो oceans में कहाँ से आते हैं? Basically over the period of years, thousands and millions of years, जब से earth बना है तब से weathering of rocks होते हैं. Weathering means जो rocks है वो धीरे धीरे गलना start हो जाते हैं because of various climatic factors, physical factors, biological factors. बहुत सारे factors होते हैं weathering of rocks. जैसे केमिकल फैक्टर्स होते हैं, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, देन जो है वाटर रिएक्शन करता है धीरे धीरे तो केमिकल्स रिलीज होते हैं. फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कोई पत्थर धीरे धीरे इरोड होता है बिकॉज ऑफ द वाटर या अदर जो फिजिकल फैक्टर्स है बिकॉज ऑफ द विंड, तो उसकी वजह से भी जो उसमें केमिकल्स है रिलीज होते हैं इन द वाटर. एंड देन देर आर डिफरेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स. अगर आप रिकॉल करते हैं हमारा जो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक बैरन रॉक से एक पूरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है. तो उसमें एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं या एल्गी होते हैं, लाइकन्स होते हैं, मिनरल कंपाउंड्स रिलीज करते हैं फ्रॉम द बैरन रॉक्स बिकॉज ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. तो ये सारे फैक्टर्स जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब ये पूरा जो ये टाइम पीरियड है तो इतना जो साल्ट जो होता है ये इरोड होता है, ये ट्रैवल होता है फ्रॉम द टेरिस्ट्रियल लैंड मासेस से टू द ओशन. सो धीरे धीरे इसमें एक्यूमुलेट होने लगा ओशंस में जो है साल्ट्स. तो यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से जो है साल्ट कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई है ओशंस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो इतना तो पता ही है आपको कि जो ओशंस है दे कवर अराउंड ओशन जो होता है तकरीबन 70% जो 75% जो है अर्थ का पूरा जो है उसको कवर करता है, तभी इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं. तो अब इसमें भी जो है साल्ट इकोसिस्टम्स में भी दो टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द साल्ट कंसेंट्रेशन एंड द लोकेशन कहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं. तो एक है मैरीन इकोसिस्टम, देन अदर इज एस्चुरीन इकोसिस्टम्स. तो यहाँ पे मैंने लास्ट में यहाँ पे मेंशन किया है कि साल्ट कंसेंट्रेशन ऑन एन एवरेज, या आप नोट करना, ऑन एन एवरेज ओशंस में जो ओशंस या सीज, वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ओशंस एंड सीज. तो साल्ट सैलिनिटी जिसको बोलते हैं, साल्ट कंसेंट्रेशन जो ओशंस में होती है इट इज मोर देन 3.5%. इन सम केसेस इट इज मोर देन 3.5, अराउंड 5%. तो कुछ सीज है जिसमें साल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे डेड सी, उसमें इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म डूबता नहीं है बिकॉज दे आर हैविंग वेरी हाई साल्ट कंसेंट्रेशन. उसमें जो सरफेस टेंशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसमें डूबता नहीं है. तो ओशंस में जो साल्ट कंसेंट्रेशन मोर देन और इक्वलेंट टू 3.5% और 35,000 पार्ट्स पर मिलियन होता है. एक मिलियन में कितने पार्ट्स होंगे? एक मिलियन होता है 10 लाख. तो 10 लाख हिस्सों में या एक मिलियन हिस्से में 35,000 हिस्से होंगे, तो वो साल्ट कंसेंट्रेशन होती है इन द ओशंस. तो अगर हम एस्चुरीन की बात करें तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एस्चुरीन क्या होता है. उसमें जो एक मिक्सचर होता है साल्ट एंड फ्रेश वाटर की इन बिटवीन, उसमें साल्ट कंसेंट्रेशन होती है अराउंड 500 टू 35,000 पार्ट्स पर मिलियन और 0.05 to 3.5%, उसमें साल्ट कंसेंट्रेशन होती है. तो इसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं, जो इन बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सेलाइन वाटर होता है. तो जो हमारा फ्रेश वाटर है, फॉर एग्जांपल हमारे नदी नाले लेक्स, जो हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हमने जो कल पढ़ा उसमें जो साल्ट कंसेंट्रेशन लेस देन 0.05% होती है और 500 पार्ट्स पर मिलियन. देन
वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होते हैं? बेसिकली जो एरिया जहाँ पे फ्रेश वाटर डंप होता है इनको द ओशंस, जिसको अक्सर आप डेल्टास भी कहते हैं, जहाँ पे पूरा जो सेडिमेंट लोड होता है, वाटर होता है, एक रिवर डंप करता है इनटू द रिवर, इनटू द ओशन। जैसे रिवर गंगा है, या गैंजिस जिसको भी बोलते गंगा हैं, गैंजिस जिसको बोलते हैं, तो वो अपना जो है पूरा बे ऑफ बंगाल में अपना जो है वाटर डंप करता है। तो वहाँ पे डेल्टास बनते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है एक माउथ होता है रिवर का, डिफरेंट जो चैनल्स बनाते हैं। तो यहीं पे जो है ओशन का वाटर और जो रिवर का वाटर, जो फ्रेश वाटर होता है और ओशन का सैलाइन वाटर, वो मिक्सअप होता है। उसमें जो साल्ट कंसनट्रेशन थोड़ी इंक्रीज होती है अगर हम देखेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है कम्युनिटीज रहती है। इसमें न्यूट्रेंट लेवल्स बहुत ज़्यादा होती है। जो डेल्टा का जो सॉइल होता है ना, वो ट्रैवल होता है फ्रॉम द अपर रीच्स, जो राइपेरियन एरिया होते हैं रिवर्स के, वहाँ से वो सॉइल ट्रैवल होती है। तो उसमें बहुत अच्छे न्यूट्रेंट्स होते हैं, एंड ये बहुत ही हाई जो है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स होते हैं। तो जैसे हमारे पास मैंग्रोव्स जो प्लांट्स होते हैं, दे एग्जिस्ट एट द माउथ ऑफ दे एग्जिस्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर, जहाँ पे साल्ट वाटर जो होता है मीट करता है टू द रिवर। जो उसके बाद वहाँ पे कुछ स्टैंडिंग वाटर भी होता है, जिसकी वजह से स्वैम्प्स एंड मार्शेस बनते हैं। तो स्वैम्प्स एंड मार्शेस में मैंने डिफरेंस तो बताई थी पिछली बार, बेस्ड ऑन द वुडी प्लांट्स, किस टाइप के प्लांट्स होंगे वहाँ पे, तो उस टाइप वो स्वैम्प्स होंगे, मार्शेस होंगे। फिर जैसे वेटलैंड्स, बॉग्स होते हैं, बॉग्स में इसमें एसिड कंडीशंस बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। तो यहाँ पे जो वाटर होता है पार्शियली शैलो होता है, शैलो होता है मीन्स कि जो पानी की गहराई है बहुत ही कम होती है, ज़्यादा गहरा नहीं होता पानी, तो आप उसमें चल भी सकते हैं। तो एक एश्यूरी क्या होती है? इट इज़ एन एनक्लोज्ड बॉडी ऑफ ब्रैकिश वाटर, जैसे ये वाली है, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये ओशन है, तो यहाँ पे रिवर है जो है इसमें मीट करता है। तो ये एक एनक्लोज्ड जो है वाटर बॉडी है फ्रॉम द सराउंडिंग, तो यहाँ पे स्ट्रीम होती है। तो इसमें कनेक्शन, फ्री कनेक्शन होता है टू द ओशंस। तो ये एक बेसिकली एक ट्रांजिशन जोन है। इसमें इकोलॉजिकल टर्म्स में इसको इकोटोन कहते हैं। इकोटोन वो एरिया होता है जो एक एनवायरनमेंट और दूसरे एनवायरनमेंट, या एक इकोसिस्टम या दूसरे इकोसिस्टम के बीच में होता है, एक ट्रांजिशन में होता है। जैसे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ाया पढ़ा कि डेजर्ट एंड फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में एक ट्रांजिशन इकोसिस्टम होता है, जिसको हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। यू कैन कोरिलेट दैट विद दिस एस्चुरीन्स। यहाँ पे ओशन इकोसिस्टम और रिवर इकोसिस्टम के बीच में एक ट्रांजिशन इकोसिस्टम होता है, जिसको हम इकोटोन भी कहते हैं। तो ये इकोलॉजिकल टर्म्स में, तो इसमें दोनों की जो है प्रॉपर्टीज होती है। जैसे ओशन वाटर की जो है सैलिनिटी होती है, फ्रेश वाटर की भी थोड़ी सी, उसमें जो है ऑक्सीजन लेवल्स, अदर न्यूट्रंट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं। दैट सपोर्ट्स द वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट कम्युनिटीज़। तो इसमें कुछ जैसे वाटर लिलीज ग्रो करते हैं, मैंग्रोव्स, तमेरेक, सेजेस होते हैं, वो ग्रासेस जिसके रूट्स पे एक नट जैसा हो, जो हर साल जो है पेरिनियल होते हैं, हर साल खुद ग्रो हो जाते हैं। फिर बहुत टाइप्स के रेप्टाइल्स हो सकते हैं, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, एम्फीबियंस। तो वेटलैंड्स भी होते हैं। वेटलैंड होता है वो जमीन, वो लैंड जिसमें किसी साल, किसी टाइम पीरियड तक पानी जो है स्टैंडिंग रहता है, रुकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर है यहाँ पे, तो ये रिवर जब फ्लो होता है इनटू द ओशंस, यहाँ पे ये ओशन है, देन ये पूरा जो है एस्चुरीन एरिया है। तो इसको इन्होंने अपर एस्चुरी, मिडल एस्चुरी एंड लोअर एस्चुरी में इन्होंने क्लासिफाई किया है। तो कैसे रिवर की जो है वाटर, जो उसका जो वाटर फ्लो है डिक्रीज होता है,
तो जितना सेडिमेंट लोड है यहाँ पे, जिसको डेल्टा बोलते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट होता है। अभी डिपॉजिट क्यों होता है यहाँ पे, आपका भी क्वेश्चन होगा कि रिवर फ्लो करता है यहाँ तक तो आया है, यहाँ पे क्यों रुकता है फिर? तो इसमें एक है कि यहाँ पे जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वाटर में, फ्रेश वाटर में और ओशंस में, वो आपस में रिएक्शन करते हैं और ये सेटल डाउन हो जाता है नीचे, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। जो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी जो ओशंस की है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। तो इसकी केमिकल रिएक्शन की वजह से जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, वो सेटल डाउन हो सेटल जाता है या डाउन हो जाते हैं या प्रेसिपिटेट हो जाते प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अपने माइक्स को अपने म्यूट माइक्स को कीजिए, म्यूट कीजिए। मुझे इको आ रहा है, मुझे अपनी इको आ आवाज़ रहा है, जा रहा अपनी है। आवाज यार। ओके तो यहाँ पे और भी जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंग्रोव्स है, तो मैंग्रोव्स जो है एक कनेक्टेड होता है टू द दिस फ्रेश वाटर एंड द सलाइन वाटर बॉडी। किसी को क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है यहाँ पे? ओके तो और भी जो है इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम, जैसे मैंग्रोव यहाँ पे एग्जिस्ट करता है टू द लेटरल साइड ऑफ दिस डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे पानी रुकता है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे जो साइंस वीडियोस होते हैं, साइंस चैनल्स होते हैं, वो उसमें एक्सप्लोरेशन वगैरह करते हैं। तो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज, जैसे पर्ल्स, श्रिम्प्स वगैरह जो है वहाँ पे ग्रो होते हैं। नेमेटोफोर्स जो होते हैं प्लांट्स में, मैंग्रोव प्लांट्स में, वो जो रूट्स होते हैं वो हवा में आते हैं, वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। देन इट ऑल्सो सपोर्ट्स, आप एक काम करो, ज्वाइन करने से पहले ना, मीटिंग जो ज्वाइन करेगा वो पहले ही अपना जो है माइक म्यूट करके रखेगा, ताकि ज्वाइन भी हो जाए और डिस्टरबेंस भी ना हो जाए क्लास में। देन उसमें एक साल्ट मार्शेस भी होते हैं, साल्ट मार्शेस होते हैं जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, बेस्ड ऑन कि वहाँ पे यो ऑपरेशन ज़्यादा होती है, जो ब्रेकिश वाटर होता है उसकी जो है यो ऑपरेशन जब ज़्यादा होगी तो साल्ट कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती है। फिर बैक स्वैम्प्स जो ये फॉरेस्ट्स होते हैं, स्वैम्प्स करके जैसे वुडी प्लांट्स होते हैं, तो ये एक पूरा नक्शा है कि एक एस्ट्री में किस किस टाइप के इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक एस्ट्री में ये सारे एग्जिस्ट हो जाएंगे, ये डिफरेंट क्लाइमेट के हिसाब से भी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक माउथ है, यहाँ पे पूरा जो फ्लो होता है वाटर का वो डिक्रीज होता है। अब गूगल मैप पे भी अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, यू कैन गो इन टू गूगल मैप, आप देख सकते हो रिवर जो गैंजेस है जैसे डिस्चार्ज हो जाता है इन वेस्ट बंगाल टू द बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल के स्टेट में। तो वहाँ पे भी आप इस टाइप के, जब वो डिस्चार्ज होता है टू द ओशंस, छोटे छोटे चैनल्स वो बनते हैं, ट्रिब्यूटरीज बनती है। तो जो सुंदरबन्स जो है वहाँ पे, मैंग्रोव्स जो प्लांट्स प्लांटेशन, ये इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा है। अब मैंग्रोव जो है इकोसिस्टम है, इसके अपने बेनिफिट्स है। साल्ट मार्शेस ये आपका जो है मैरीन इकोसिस्टम में ही आते हैं, तो ये हमें बचाता है फ्रॉम द स्टॉर्म सर्जेस जो इसमें ट्रीज होते हैं। अगर यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सुनामी या बिकॉज ऑफ द साइक्लोन जो अभी भी चल रहा है वेस्ट बंगाल में, साइक्लोन यास, YAAS, माइट बी हर्डिंग दैट नेम फ्रॉम द न्यूज़, तो ये इस टाइप के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है या एक्सट्रीम डिजास्ट्रस इवेंट्स है, उससे हमें बचाता है, उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज करता है। साइक्लोन्स की जो स्पीड है वो डिक्रीज कर सकता है, या स्टॉर्म सर्जेस आ जाएगी। स्टॉर्म सर्ज मींस कि साइक्लोन की वजह से जो ओशंस का पानी है वो अंदर आ जाता है ज़मीन के अंदर, तो उसको वो जो है न्यूट्रलाइज करता है, बफर करता है, उसकी जो है इंटेंसिटी को डिक्रीज करता है। तो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कोस्टल एरियाज, जो ये इकोसिस्टम मैंग्रोव्स है, साल्ट मार्शेस है, सी ग्रासेस है, या समंदर में कोई सी ग्रासेस होंगे, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उसके बाद एस्ट्री में किस के टाइप के एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, दे आर नॉट डिफरेंट। कि जैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स मोर और लेस हर किसी इकोसिस्टम में सेम होते हैं। अब उसकी क्या इंटेंसिटी है, ज़्यादा है कि कम है, बट दे एग्जिस्ट। जैसे टेम्परेचर, पीएच
पीएच लेवल क्या होगी, सोडियम जैसे सोडियम पोटेशियम साल्ट्स, यहाँ पे साल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी ओबियसली, जो हमने अभी बताया 0.052 3.5% जो है साल्ट कंसेंट्रेशन होती है। तो अदर न्यूट्रंट्स, यहाँ पे न्यूट्रन लेवल ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम जो लेवल्स है बहुत अच्छी खासी होती है। दे सपोर्ट वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ जो है इकोसिस्टम, डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन प्रोड्यूसर्स में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, मार्श ग्रासेस होते हैं, जो ग्रासेस जो है जो दलदल में ग्रो होते हैं, सीवीड्स होते हैं, सी ग्रासेस होते हैं। ये बेसिकली प्रोड्यूसर कम्युनिटी है यहाँ पे एस्ट्रीज पे। फिर कंज्यूमर्स में ऑयस्टर होते हैं, क्रैब्स, सी बर्ड, स्मॉल फिशेस। ऑयस्टर होता है वो जैसे उसमें जहाँ से पर्ल्स निकलते हैं, मोती निकलते हैं, उसकी कल्टीवेशन भी होते हैं। तो उसमें एक एनिमल होता है जो पूरा वहाँ पे प्लांट्स वगैरह खाते हैं, उनका अपना मैकेनिज्म है। फिर क्रैब्स होते हैं ना जो फ्लोर पे चलते हैं, पानी के फ्लोर पे, नीचे बेड पे, जिसका अक्सर भी वो फिशिंग जब करते हैं वो क्रैब्स की भी फिशिंग करते हैं, बड़े बड़े केज लगाते हैं नीचे समंदर में। फिर सी बर्ड्स जो समंदर के ऊपर घूमते रहते हैं डिफरेंट फिशेज वगैरह को खाने के लिए। देन स्मॉल फिशेज जो इन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ग्रास वगैरह को खाते हैं। देन डिकम्पोजर्स, इसमें बैक्टीरिया फंजाई एक्टिनोमाइसिट्स, बट जो इसमें जो डिकम्पोजर्स है उनकी जो स्पीशीज होंगे या जनरा होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर और टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, जो फ्रेश वाटर में बैक्टीरिया होंगे वो ज़रूरी नहीं वही होंगे, दे माइट बी डिफरेंट विच कैन सर्वाइव इन हाई साल्ट कंसनट्रेशन। तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है एक एस्ट्री में किस किस टाइप के जैसे प्लांट प्रोड्यूसर्स एंड ये होते हैं एनिमल्स होते हैं, जैसे मार्शेस में मैंग्रोव्स और जो ग्रासेस है जिसपे वो फीड करते हैं इंसेक्ट्स एंड क्रैब्स, तो उन पे फीड करते हैं जो बर्ड्स वगैरह होते हैं। देन क्रैब्स और फिशेस को फीड करते हैं लार्ज फिशेस वगैरह जो स्नेल्स है। तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो एस्ट्री का जो फूड चेन होते हैं, दो फूड टाइप्स ऑफ फूड चेन एग्जिस्ट करती है साइड बाय साइड। एक तो ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन जो आप जानते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, जो फाइटोप्लैंक्टन्स है बेसिकली, फाइटोप्लैंक्टन्स जो एल्गीज है, डायटम्स है, उनको खाते हैं जूप्लैंक्टन्स, और बड़ी उनके बाद बड़ी मछलियाँ खाती हैं। तो ये एक नॉर्मल काइंड ऑफ फूड चेन है। उसके अलावा डेट्राइटस फूड चेन भी यहाँ पे होती है, क्योंकि ये एक सबमर्जिड जो है वाटर है, सबमर्जिड जो लैंड है, इसमें जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है फ्रॉम मैंग्रोव प्लांट्स या मार्श ग्रासेस से आते हैं या सी ग्रासेस से होता है, तो उसका जो है डिकम्पोशन बहुत स्लो होता है बिकॉज ऑफ द वाटर में इतनी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो ये सपोर्ट करता है डेट्राइटस फूड चेन को, जिसपे फीड करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ जू प्लैंक्टॉन्स। तो ये एक पर्ल फूड चेन चलती है, कनेक्ट होता है इसी के साथ। तो मीन्स यहाँ पे जो फूड चेन स्टार्ट होती है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एज वेल एज दैट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मटीरियल। तो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एनिमल्स है उसको भी सपोर्ट करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है डिकम्पोजर्स में, प्रोटोजोअन्स है, निमेटोड्स, निमेटोड्स होते हैं बहुत ही छोटे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उससे बड़े होते हैं स्नेक टाइप, तो बहुत ही हर सॉइल में भी पाए जाते हैं। अगर आप सॉइल में भी आप एक्सपेरिमेंट करो, इफ़ यू हैव एक्सपेरिमेंट इन जूलॉजी, आपका जो लेबोरेटरी में है, तो उसमें वो एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा फ्रॉम द सॉयल, उनका डाइसेक्शन करना पड़ेगा, उनके ऑर्गेन्स अलग अलग करने पड़ेंगे। तो ये अक्सर होता है ग्रेजुएशन में, ये प्रैक्टिकल आई थिंक जूलॉजी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे दोनों काइंड ऑफ फूड चेन्स। तो उसके बाद जो मैरीन इकोसिस्टम यानी ओशन का जो इकोसिस्टम है, तो ये कवर करता है तकरीबन 70 to 71 जो परसेंट है ऑन एन एवरेज, जो टाइडल वाटर्स ऊपर नीचे होते हैं, तो ऑन एन एवरेज 71% जो है अर्थ की जो सरफेस कवर है फ्रॉम द मैरीन इकोसिस्टम। तो ये जो मैंने इकोसिस्टम आपको कहा, ये जो है एस्ट्रीज है, इसका जो परसेंटेज है बहुत ही कम है, बिकॉज ये एग्जिस्ट करता है इन वेरी रिजर्व एरिया, जहाँ पे फ्रेश वाटर मीट करता है ओशंस, बहुत ही कम एरिया में। बट जो मैरीन इकोसिस्टम है, जो ओशंस जिसको हम बोलते हैं ओपन ओशंस एंड सीज,
उसमें वो बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है, और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है अप्रॉक्सीमेटली 16 × 10^10 टन्स ऑफ कार्बन पर, मीन्स कि ये एटमॉस्फेरिक कार्बन को फिक्स करता है तकरीबन एक साल में 16 × 10^10 टन्स। तो मीन्स जितना ज़मीन करता है फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, उससे 8 गुना जो फिक्स करता है ओशंस कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स फोटोसिंथेसिस। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है इकोसिस्टम्स है, जैसे शोर लाइन्स है, शोर लाइन मीन्स कोस्टल एरियाज, जहाँ पे लैंड मीट करता है टू द ओशंस या सीज। तो ये प्रोन है, इट इज़ वेरी प्रोन टू द वेरी साइक्लोन, जो अभी साइक्लोन चल रहा है। साइक्लोन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द जो वार्मर सी सरफेस होता है। किसी भी सी सरफेस का टेम्परेचर अगर 26 to 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, देन इट इज़ ए प्रिकर्सर फॉर द साइक्लोन प्रोडक्ट, ये जनरेशन। तो साइक्लोन जब बन जाता है बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर, वो ट्रैवल होता है टू द लैंड्स। तो उसके बाद कोरल रीफ्स होते हैं, जिनको रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, वो रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहते हैं कोरल रीफ्स को। ये बेसिकली छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो सी बेड्स पे जस्ट एडजेसेंट टू द शोर लाइन, शोर लाइन के बाद ही आते हैं पानी के नीचे। अगर आपने देखा होगा कभी टीवी पे, वो कलरफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओशंस में, तो उनको कोरल रीफ्स कहते हैं। ये तकरीबन ओशन के खाली 1% जो है एरिया को कवर करते हैं, और ये एग्जिस्ट होते हैं इन पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज तकरीबन 23 to 29 डिग्री जो डिग्री सेल्सियस में ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर इसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, देन इनमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसकी जो है लीचिंग हो जाती है, वो फिर डिजॉल्व होने लगता है। तो इसमें शेल फिशेज होते हैं, कोरल्स होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। देन जो ओपन इकोसिस्टम है, ओपन ओशन जिसको बोलते हैं, बायोस्फीयर, जिसमें प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, मीन्स उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स ज़्यादा नहीं, बिकॉज उसमें जो डेप्थ होती है बहुत ज़्यादा होती है। सी की जो मैक्सिमम डेप्थ है 10 किलोमीटर्स। तो इसमें स्टार्टिंग में इनलैंड वाटर्स, फिर ओपन ओशंस होते हैं। तो धीरे धीरे जो है इंटेंसिटी एंड कंसंट्रेशन जो है न्यूट्रेंट्स की जो है डिक्रीज होती है, तो वैसे ही वहाँ पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी जो है डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन। तो सी क्या होता है, बेसिकली इट इज़ जस्ट एडजेसेंट टू द लैंड मास, जहाँ पे न्यूट्रन लेवल बहुत ज़्यादा होती है, जो सपोर्ट करता है वेरी काइंड ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, एल्गी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। बेसिकली जितना भी हम ट्रेड वगैरह करते हैं, फिशिंग करते हैं, वो हम सीज में करते हैं, ओशंस में नहीं करते, बिकॉज ओपन ओशन जो होता है उसमें इस सब की जो न्यूट्रंट अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती है। तो न्यूट्रंट्स कहाँ से आते हैं, बेसिकली दे आते दे कम फ्रॉम द सीज, जो हम एक्टिविटी करते हैं सीज में, जो डेल्टा वगैरह है, जब वो जला जाता है, ये रिवर्स से आता है वो न्यूट्रन, जब वो सी में चले जाएंगे तो उसमें न्यूट्रन कंसंट्रेशन आ जाती है। तो जो है वो सपोर्ट करता है वेरियस काइंड ऑफ फिशेस वगैरह। तो जो बड़े बड़े जो सीज के ना, जैसे मेडिटेरेनियन सी है, जहाँ से हमारा जो है पूरा मॉइस्चर आता है कश्मीर वैली का, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कैरेबियन सी है, जो टर्किश जो यूरोपियन और जो उसमें कॉन्टिनेंट में आता है टर्की के आसपास, कैरेबियन सी, देन साउथ चाइना सी जो साउथ ईस्ट एशिया में आता है, ब्लैक सी, डीपेस्ट सी है जो कैरेबियन सी है, तकरीबन 6 7 किलोमीटर्स। देन डीपेस्ट सी इज पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन बहुत ही डीप है, तकरीबन 10,000 किलोमीटर। देन आर्टिक ओशन इज अराउंड 5.6 किलोमीटर्स डीप। तो दोनों जो है एक ही है, बट जो ओपन वाला है पूरा जो बाहर है उसको हम ओशंस कहते हैं, जो जस्ट एडजेसेंट टू द वाटर बॉडी, जो जस्ट एडजेसेंट टू द शोर लाइन होती है, उसको हम सीज कहते हैं। तो अब जो ओशंस का जो है उसमें क्या बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, वही टेम्परेचर, लाइट, साल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होती है तकरीबन मोर देन 3.5%। तो उसके अलावा यहाँ पे आपके है प्रोड्यूसर्स, फाइटोप्लैंकटॉन्स, डायटम्स, यूनिसेल्यूलर एल्गी, मैरीन प्लांट्स जो होते हैं, तो उसके बाद कंज्यूमर्स होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, मोलस्क होते हैं, फिश होते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस, जैसे पोलर रीजन्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस होंगे,
एंड जो इक्वेटोरियल ओशंस होते हैं उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है कंज्यूमर्स होंगे. तो एक टिपिकल काइंड ऑफ पायरेमिड अगर हम देखेंगे एक ओशन का, तो इसमें प्रोड्यूसर्स जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन सीवीड्स होते हैं वो सपोर्ट करता है जूप्लैंक्टन्स को. कोकल्स एंड कॉम्स जो होते हैं जो जिसको खाया जाता है, अक्सर आपने टीवी में देखता देखे होंगे कि ऐसे वो लोग वो उनको बुनते हैं फिर उनको खाते हैं. तो इस पे फीड करते हैं जैसे प्रॉन्स है, श्रिम्प्स है, वो जेली फिशेस है. तो बड़े जो फिश है इसके बाद स्क्विड्स वगैरह आते हैं. तो ये एक टिपिकल काइंड ऑफ फूड चेन है इन द ओशन इकोसिस्टम. तो यहाँ पे एक और यहाँ पे जोन्स कैसे है एक ओशन के, जैसे हाई वाटर इंटरटाइडल मींस कि ये ऊपर नीचे होता रहता है. अगर टाइड्स होंगे तो ये पानी यहाँ पे नहीं होगा, तो ये लेवल ऑफ वाटर जो है डिक्रीज हो जाएगी. तो टाइड्स जब आएंगे मींस जब हाई टाइड्स होते हैं बिकॉज ऑफ द मून एंड लो टाइड्स कॉज बिकॉज ऑफ द सन, ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो ये वाटर की लेवल ऊपर नीचे होती है. देन जो प्लेजिक रिजिम होता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स कि जहाँ पे जो है लाइट पेनिट्रेट हो सकती है उसको फोटिक जोन बोलते हैं. एंड देन जिस पे लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती है उसको एफोटिक जोन बोलते हैं. फिर बैंथिक रिल्म्स होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जैसे यहाँ पे कोरल रीफ्स एग्जिस्ट करते हैं. तो नीचे इसके डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रन लेवल, लाइट इंटेंसिटी, किस किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए वो जो है ऑप्टिमल है, तो वहाँ वो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ग्रो करते हैं. तो यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे जो डेप्थ भी दी गई है से 2 मीटर से लेके तकरीबन 4 किलोमीटर तक जो है इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं. तो जैसे आपका व्हेल है, शार्क्स जो होते हैं ज़्यादा गहराई में नहीं पाए जाते, ऊपर ही पाए जाते तकरीबन 200 मीटर के आसपास फोर्टिक जोन में जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट होती है. जो डीपेस्ट होता है जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं होती है, इसमें भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज एग्जिस्ट करते हैं. तो ये था आपका पूरा एक कैसा एक स्ट्रक्चर होता है एक ओशन का. देन लास्ट इज इट विल टेक कपल ऑफ मिनट्स, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है. इकोसिस्टम सर्विसेज बेसिकली वो बेनिफिट्स जो हमें इकोसिस्टम देता है. अब हमने एक रेंज ऑफ इकोसिस्टम्स पढ़े, फ्रॉम टेरिस्ट्रियल, एक्वाटिक, मैरीन इकोसिस्टम्स पढ़े. जो भी हमें बेनिफिट्स इन इकोसिस्टम से मिलते हैं उनको हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं. जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं एज ए रिसोर्स. तो जो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट है उन्होंने जो है डिफाइन किया गया है कि इकोसिस्टम सर्विसेज है कोई भी बेनिफिट, किसी भी टाइप का बेनिफिट हम लेते हैं फ्रॉम द इकोसिस्टम उसको इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं. तो उन्होंने क्लासिफाई किया है इकोसिस्टम सर्विसेज को 4 हिस्सों में. तो उसमें आता है पहले प्रोविजनिंग सर्विसेज, फिर रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज एंड सपोर्टिंग सर्विसेज. अब इसमें एग्जांपल क्या है, प्रोविजनिंग सर्विसेज मींस प्रोडक्ट्स जो हम खाते हैं पीते हैं, पानी वगैरह, जैसे फूड है. फूड हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है, हनी फॉर एग्जांपल. देन फ्रूट्स जो हम लेते हैं या जो हम सीरियल्स वगैरह खाते हैं, पैडी वगैरह खाते हैं, वीट खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, दैट ऑल काउंट्स इन टू द फूड. तो फ्रेश वाटर हम पीते हैं, वुड जो हम यूज़ करते हैं एज अ टिम्बर, एज अ फायर वुड, केमिकल्स, जेनेटिक रिसोर्सेज, फ्यूल, जितने भी ये चीज़ें हैं जो हमारी ये रिसोर्सेज है, ये आते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज में. देन कम्स अ रेगुलेटिंग सर्विसेज, जो बेनिफिट्स जो होते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेगुलेशन ऑफ द इकोसिस्टम प्रोसेसेस, जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन, फ्लड रेगुलेशन. जैसे नेचर ने पहले ही सब कुछ मीन्स रखा है कैलकुलेटेड कि अगर ये चेंज आ जाएगी क्लाइमेट में तो उसको कैसे सुधारना है. फ्लड आएगा तो उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म, जैसे मैंने अभी मैंग्रोव्स की बात कर रहा हूँ. तो अगर साइक्लोन्स आएंगे, अगर सुनामी आएगी तो साइक्लोन्स और सुनामी और से जो स्टॉर्म सर्ज आ जाएगा, जो लेवल ऑफ सी वाटर इंक्रीज होगा उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करता है मैंग्रोव प्लांट्स. तो यहाँ पे फ्लड रेगुलेशंस होते हैं बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम्स. इरोजन कंट्रोल, जैसे फॉरेस्ट की रूट से जो है इरोजन कंट्रोल होता है. डिजीज रेगुलेशन कैसे होता है, हर किसी डिजीज का पहले ही जो है एंटीडोट नेचर ने अवेलेबल किया है.
कोई भी जो है इंसेक्ट होता है, अगर वो ज़्यादा पॉपुलेशन में ग्रो होता है या एग्जिस्ट करता है, तो उसका जो है प्रीडिएटर जो होता है तो उसको कंट्रोल में रखता है। वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर प्योरिफिकेशन की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो हमारा जो वाटर साइकिल है, तो उससे वाटर प्योरिफिकेशन होती है। ओशन से वाटर इवोपरेट होके आता है, तो इवोपरेशन जो है इट्स सेल्फ इट इज़ अ प्योरिफिकेशन, क्योंकि वहाँ पे वाटर ऊपर जाते हैं, देन दे काज रेन टू द इनलैंड वाटर, जो है इनलैंड मास जो है, लैंड मास है, उस पर वाटर जो है एज अ रेनफॉल नीचे आता है, एज अ फ्रेश वाटर वो स्टोर होता है इन द ग्लेशियर्स, इन द आइस कैप्स, फिर कुछ कुछ पानी जो है लेक्स एंड रिवर्स में भी आ जाता है। तो एक प्रोसेस है वाटर प्योरिफिकेशन का। इसके अलावा ग्राउंड वाटर से भी जो है वाटर प्योरिफिकेशन होती है, जैसे वेटलैंड से आपके, उससे भी जो है वाटर प्योरिफिकेशन होती है। तो ये पूरी आपकी रेगुलेटिंग सर्विसेज है। तो आप इसको ना याद करके थोड़ा सा एक लाइन में, प्रोविजनिंग सर्विस क्या होता है और उसकी एग्जाम्पल्स क्या है, बस इतना ही। देन कल्चरल सर्विसेज, वो सर्विसेज जो नॉन मटेरियल, उसको हम क्या कहते हैं, जो हम देख नहीं सकते, जो हम छू नहीं सकते, बट उसको हम महसूस कर सकते हैं, वो एस्थेटिक। जैसे आप जाते हैं सैर व तफरी करने, गुलमर्ग जाते हैं या कोई पहलगाम जाता है, अहरबल चुलसा, तो आप वहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो वो एस्थेटिक है, कोई बड़े जो होते हैं साधु महात्मा ऋषि मुनि होते हैं, पीर वगैरह होते हैं, वो अक्सर अपनी इबादत के लिए ऐसी जगह चुनते हैं जो जहाँ पे सुकून होता है, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ। फिर नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए एजुकेशनल सर्विसेज, आप डिफरेंट बॉटनिकल जोलॉजिकल टूर्स पे जाते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं नेचर को कैसे एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट स्पीशीज, तो एजुकेशनल सर्विस। कल्चरल जो हमारा कल्चर है तो वो भी एक सर्विस है। सेंस ऑफ प्लेस मीन्स कि आप किसी चीज़ को कितना वैल्यू करते हैं, तो आप में वो सेंस आ जाता है, विलिंगनेस टू पे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सम काइंड ऑफ इकोसिस्टम, सम काइंड ऑफ स्पीशीज। तो लास्ट वन इज़ जो इन तीनों सर्विसेज को रेगुलेट करता है, सपोर्ट करता है। इसके अलावा, इसके बगैर ये सब जो है सर्विसेज मुश्किल में आ सकते हैं, जैसे सपोर्टिंग सर्विसेज जो नेसेसरी है फॉर ऑल अदर इको, जैसे न्यूट्रल साइकिलिंग। तो न्यूट्रल साइकिलिंग अगर आप याद आएगा तो मैंने कहा था बायोजियो केमिकल साइकिल्स जो होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये काइंड ऑफ सर्विस नहीं होगी, डिकम्पोजर्स नहीं होंगे अवेलेबल इन द इकोसिस्टम, देन जो है न्यूट्रल साइकिलिंग नहीं होगी। सॉइल फॉर्मेशन होती है ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लगते हैं 1 सेंटीमीटर जो है सॉइल को बनने में, बिकॉज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ वेदरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, व्हेन सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, फिर वो अपने जो है बायोमास बनाते हैं, उसको स्टोर करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये सब चीज़ें तभी मुमकिन है जब हमारे पास ये तीन सर्विसेज है, ठीक है। इन शॉर्ट,